मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया के समर्थकों के बीच देर रात विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे भी चले। बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर आए हुए थे। सिंधिया समर्थक कार्यकर्ताओं भिंड जिले से भी उनका स्वागत करने पहुंचे थे। इस दौरान भिंड जिले के ही रहने वाले प्रदीप दंडोतिया और सोनू करोसिया के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद इस मामले में देर रात ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर ही मारपीट शुरू हो गई। मामला थाने तक आ पहुंचा, जहां एक बार फिर विवाद शुरू हुआ और फिर से लात घुसे चले। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। सीनियर नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामले को लेकर राजीनामा कराया गया, जिसके चलते पुलिस ने कोई भी मामला दर्ज नहीं किया। मैं स्टेशन से आ रहा था तो महाराज को छोड़ के, तो मैं प्रदीप दंडोतिया थी आगे निकल आया। मैं आया जो थी तो प्रदीप दंडोतिया मुझसे बोला, मतलब गाली जाती थी जगदीप मैकर बदर बोला, तो मैंने बोला मैंने तू मैंने तेरा मेरा कोई कंपटीशन तो है नहीं है, वैसी वृक्ष हूँ, तू सामान्य वृक्ष है, तो मैंने क्यों फालतू बात मेरे करता है तू। तो इतनी बात हुई तो उसने एक धक्का मक्का दे दिया। इतने पीछे से बिक्कू भैया आ रहे थे, फिर मैंने बिक्कू भैया को आवाज़ दी, मैंने कि मुझसे फालतू बात कर रहा है, गाड़ी में चल रहा है। तो बिक्कू भैया ने बोला कि चलो इसकी राजीनामा करवा देते हैं। हाँ, राजीनामा करवा देते हैं। तो राजीनामा की बात हुई वहाँ से, फिर थोड़ा और बात बढ़ी, तो फिर मैंने बोला चलो आवेदन दे देते हैं, इसलिए मैं थाने में आवेदन देने आया। मेरे कुछ लोग कार्यकर्ता आए हुए थे, लेकिन उनके द्वारा न तो किसी ने रिपोर्ट की है और न किसी ने अपनी लिखित में आवेदन दिया है। ये जानकारी इतनी जो आपस में बातचीत से पता लगा है कि दोनों ही एक ही पार्टी कार्यकर्ता हैं। किसी बात को लेकर कोई बात चल रही थी स्टेशन पर, उसी बात में मुवाद हुआ है, उसी बात को लेकर ये थाने तरफ आए थे। थाने पर इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लोग आ गए थे। उन लोगों ने दोनों की बातें सुनी, बात सुनने के बाद अपने साथ उन दोनों को लेके चले गए।